जामिया किस लिए बनाई गई थी? जामिया बनाई गई थी स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए जब जामिया बनाई गई थी तो स्टूडेंट्स का जो डेमोक्रेटिक राइट्स है कि यूनियन आए, यूनियन हो। इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में जिस तरीके से संसद की ज़रूरत है, विधानसभा की ज़रूरत है, उस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर में, यूनिवर्सिटी के अंदर में यूनियन की ज़रूरत है। देखिए, वाइस चांसलर ने अभी एक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में ये दिया था कि छात्र स्टूडेंट यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अपने मुद्दे उठाना नेतागिरी करना हुआ? अगर अपने मुद्दे उठाना, यहाँ के स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाना, हॉस्टल का मुद्दा उठाना, खाने का मुद्दा उठाना, स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाना, एग्जाम में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं और जो धांधली हो रही है उस चीज़ का मुद्दा उठाना अगर नेतागिरी है तो हम करेंगे नेतागिरी। हम लोग यूनियन को मांग को लेकर वाइस चांसलर को 5 अक्टूबर को मेमोरेंडम दिए हैं। हमारी मांग है कि जिस यूनियन को 2005 के बाद चुनाव के बाद बंद कर दिया गया था एक छोटे से मामूली मुद्दे पे, अब उस यूनियन को दोबारा चुनाव कराया जाए, क्योंकि इन 11 सालों में कई बार 2011 में एक स्टूडेंट था जो गया था कोर्ट, पिटीशन डाला, फिर उसके बाद 2012 में भी एक पिटीशन डाला। तो टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर लड़कों ने कोशिश किया है, लेकिन ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है, जिस तरीके से तानाशाही के साथ ये यूनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म पे चल के वो अपने मुद्दे उठा सकें। सर, वीसी साहब ये कहते हैं कि मामला कोर्ट के अंदर है, मेरे पास आप आएंगे तो मैं आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, हम आपको यूनियन दे देंगे, लेकिन ये घुमाने वाली बात होती है। देखिए, जिस छात्र ने याचिका डाली थी कोर्ट के अंदर वो फिलहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र नहीं है। हर जगह पे आपको स्टूडेंट यूनियन मिलेगा, चाहे आप JNU पे में चले जाइए, चाहे आप DU में चले जाइए, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप बात ले लीजिए। तो हम लोगों की जो एक आज़ादी है उसको क्यों करटेल किया जा रहा है? हम लोगों को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जो दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किया गया है। DU के अंदर एक कैंपस नहीं है, उसके अलग अलग कॉलेज हैं दिल्ली में, लेकिन फिर भी वहाँ पे इलेक्शन को पीसफुली हैंडल कराया जाता है। लेकिन जामिया के अंदर मैं नहीं समझता कि आप बार बार सुरक्षा का कारण देके इलेक्शंस को यहाँ पर बैन करते हैं, ये समस्या बाहर है। हॉस्टल अलॉटमेंट में डिले है, गरीब बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनका स्कॉलरशिप का मसला है, 2.5 करोड़ रुपया लगा के गेट बनाया जाता है लेकिन किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। इस तरह के तमाम किस्म के मुद्दे हैं जो एक स्टूडेंट इनका जवाब चाहता है कि हमारे पास क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर चल के हम इन मुद्दों को सुलझा पाएँ। I don't think that students in Jamia have are actually talking like politicians. We are just talking like responsible citizens of a country who should be able to participate in the running of the country and also form their opinions and also talk about what kind of politics do we want. Hamara union banega to university ke process working mein aur aasani hogi aur peaceful hoga. हम मुद्दों को प्रोटेस्ट के जरिए नहीं बल्कि एप्लीकेशन के जरिए हल करेंगे। हमें कोई परेशानी होगी तो जो भी यूनियन का इलेक्टेड लोग होंगे वो आपके पास जाएंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे और हमारे तरफ से जो जवाब होगा उसको भी देंगे। स्टूडेंट को यहाँ पे डरा हुआ सहमा हुआ महसूस किया था। इस कैंपस के अंदर में पुलिस आ सकती है, इस कैंपस में पुलिस अलाउ करते हैं, लेकिन इस कैंपस के अंदर में एक पत्रकार अगर बात करना चाहता है आकर के कैंपस में स्टूडेंट से तो उसको रोक दिया जाता है। और हम वाइस चांसलर साहब से पूछना चाहते हैं, कौन सी ऐसा डर है जो आपको सता रहा है स्टूडेंट यूनियन आने से? आप तो टीचर्स यूनियन का इलेक्शन करा रहे हैं, स्टाफ यूनियन का इलेक्शन करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लर्क है उनका यूनियन करा रहे हैं, तो फिर आखिर कैसा डर है? क्या कोई घपला कर रहे हैं आप जो डर सता रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता यहाँ पर इलेक्शन हो। जो बुनियादी बातें हैं, अभी पिछले दिनों पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का बहुत घपला चल रहा था, फेसबुक के ऊपर एक एंट्रेंस का पेपर आ जाता है, जब सवाल करने जाते हैं तो सवाल नहीं पूछने दिए जाते, कहते हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक यूनियन आ जाए, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि यूनियन ऐसी आए जो असल में जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड, ये सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज, जो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक जेंडर वो उन लोग का रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो और एक जेंडर सेंसिटिव कैंपस बने, हमको यूनियन ऐसा चाहिए। वाइस चांसलर को मेमोरेंडम हमने साल भर पहले दिया था, कहा था कि प्लेसमेंट फॉर ऑल का फैसिलिटीज दीजिए, बात सुन के गायब कर दिए, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स आर द प्रायोरिटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, देन कम्स एडमिनिस्ट्रेशन।
अगर स्टूडेंट्स की दिक्कत है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन का सॉल्व करने की ज़रूरत बन जाती है। हम जाते हैं लाइक हॉस्टल नहीं मिल पाता है, हॉस्टल नहीं मिल पाता तो हमें बोला जाता है प्रोवोस्ट के पास में जाओ, मार्कशीट में डिले होता है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के पास में जाओ। पर अब जब कंट्रोलर और प्रोवोस्ट या जो भी हमसे नहीं सुनते हैं तो हम किसके पास में जाएंगे? दिसंबर में सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ और जुलाई तक उसका रिजल्ट नहीं आया। 1 अगस्त पर बच्चों ने हमने धरना प्रदर्शन किया, तब जाके हमें आश्वासन मिला, उसके बाद भी आज भी टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ रहे हैं। मैं बेगम हज़रत महल में रह रही हूँ, तो उसमें डॉर्म बना दिया गया है, डॉर्मेट्री बोलते हैं। डॉर्मेट्री में 40-50 बेड्स लगे हुए हैं, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म। द स्टूडेंट्स हु रिसाइड देयर आर फ्रॉम बीटेक, फ्रॉम बीडीएस, एंड दे आर यू नो द यूनिवर्सिटी डजंट केयर कि वो पढ़ेंगे कैसे, उनको 10 बजे लाइट बंद कर देनी है, आप पढ़ो ना पढ़ो उनकी कोई मतलब नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में कर्फ्यू टाइमिंग है, इसके खिलाफ हम भी हैं। प्रोग्रेसिव कहने से मतलब ये नहीं मैं कह दिया कि पूरी तरीके से हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। कई गर्ल्स ऐसे हैं जिनका बाहर कोई प्रोजेक्ट पे जाना होता है, रिसर्च की वजह से जाना होता है, स्टडी की वजह से जाना होता है। वी गो ऑन अ कर्फ्यू टाइमिंग, कर्फ्यू टाइमिंग यहाँ पे 7:45 हो जाती है। अगर आप लेट होते हो हॉस्टल में देन यू आर यू नो थ्रोन टैंट्रम्स बाई द केयर टेकर्स। वो लोग बोलते हैं कि आप थे कहाँ, कहाँ सो रही थी, क्या कर रही थी, दे डाउट ऑन यू, दे अटैक ऑन योर कैरेक्टर डायरेक्टली। अगर कोई लड़की लेट आ जाती है तो उसको कैरेक्टर लेस का टर्म ये लोग दे देते हैं। पिछले साल 50 लड़कियों को इन्होंने 100 नोटिस इसीलिए दिया था जो हम लोगों ने लड़के वापस करवाया। बहुत सारी महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो जाती नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन तक, और हम लोग कोशिश करते हैं फिर भी नहीं जाती है। जैसे कि जगह जगह हमारे यहाँ, हालांकि सैनिटरी नैपकिन्स के लिए आपके यहाँ वेंडिंग मशीन्स लगे हैं हर जगह, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करते। इसके अलावा जो महिलाएं हैं डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं महिलाएं, उनके लिए अलग बाथरूम की व्यवस्था जैसे नहीं होती है। पेइंग फॉर जिम बट वी आर नॉट यूजिंग इट, सो जिम शुड बी मेड ऑप्शनल। वहाँ पे ट्रेनर ही नहीं है तो लोग जाएंगे क्यों? देर इज़ नो स्पेस फॉर अ डेमोक्रेटिक डायलॉग इन द कैंपस। इफ़ द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम आर वैंडलाइज्ड एंड बीटन अप बाई गार्ड्स, वी विल डेफिनेटली से दैट इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कैंपस। If it were, we would have this recognition that students can organize certain programs in the campus. पिछले 1.5 साल से ही यहाँ पे थोड़ा ये ग्राउंड बन पाया कि हम लोग आके आवाज़ उठा पा रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं था जहाँ पे प्रोटेस्ट होता था। 1.5 साल से बना है, तो उसी 1.5 साल को हमने रिकोगनाइज करते हुए एक इवनिंग रखी थी, कल्चरल इवनिंग, जिसमें पोएम्स पढ़ी जाती और गाने गाए जाते हैं, गाने रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स और पोएम्स पढ़ी जाती फैज़ अहमद फैज़ की और पाश की। तो उसमें प्रॉक्टर साहब आते हैं और हमें गार्ड्स पिटवाते हैं, 70 गार्ड्स को लेकर आते हैं, पूरे प्रोग्राम को वैंडलाइज करते हैं वहाँ पे। जामिया हैज़ नॉट जस्ट बैंड पॉलिटिशियंस विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, बट दे हैव बैंड द एकेडमिशियंस देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्वाइटेड प्रोफेसर अपूर्वानंद एंड अदर प्रोफेसर्स फ्रॉम DU and JNU टू स्पीक इन अ सर्टेन पब्लिक मीटिंग्स, एंड वी वर डिनाइड द परमिशन, कर्बिंग द वॉइस ऑफ एकेडमिक वॉइसेस, एंड दे आर ऑल्सो सेफ्रनाइजिंग द कैंपस, दैट इज़ फॉर श्योर। पर एक कोई सवाल ये होता है कि यूनियन कैसा होगा, किसका होगा? यूनियन स्टूडेंट्स का होना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का। वो यूनियन स्टूडेंट्स का कब होगा? जब स्टूडेंट्स की इशू पे बात करेगा, जब मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट सब स्टूडेंट्स तय करेंगे, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, तभी वो स्टूडेंट्स की हक की बात करेगा। कई सारे रिकमेंडेशंस है, जैसे आप लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशंस अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपके MPhil और PhD स्टूडेंट्स को डिबार्ड कर गया इलेक्शन प्रोसेस से, बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस से। और एज लिमिट लगाई गई है कि 25 से ऊपर आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को हमें रिजेक्ट भी करना होगा, और वो सब चीज़ें, कौन सी चीज़ें रिजेक्ट होनी है, कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट होनी है, वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी तय करेगी, ना ही कि एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो स्टूडेंट्स का यूनियन हो।